सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज झारखंड कादीपुर सुल्तानपुर के प्रांगण में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य श्रीमान हृदय नारायण त्रिपाठी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की संपूर्ण जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक राष्ट्रभक्त, कुशल पत्रकार, श्रेष्ठ नेता, RSS के प्रचारक तथा लेखक थे। राष्ट्रधर्म पंचजने पत्र का संपादन किया। मानव एकात्मवाद, चंद्रगुप्त, शंकराचार्य, भारतीय अर्थनीति, अनेक पुस्तकों का लेखन किया। आपका विचार था समाज में समता ममता के आधार आएगी। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान रविंद्र मोहन जी ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर अपने विचार को व्यक्त करते हुए कहा कि राजनीति के क्षेत्र में एक आदर्श महापुरुष थे। दीनदयाल जी ने कहा कि अपना वोट व्यक्ति को दीजिए, बटुए को नहीं, पार्टी को दीजिए व्यक्ति को नहीं, और सिद्धांत को दीजिए पार्टी को नहीं। इस कार्यक्रम में संगीताचार्य दीनबंधु सिंह, आनंदी पांडे, जय प्रकाश मिश्र, सत्येंद्र सिंह, विजय नारायण सिंह, अजय मिश्र आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वंदनीय महाशारदे, आदरणीय आचार्य जी, दीदी, आज हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन मना रहे हैं। अभी अभी आचार्य जी ने लगभग उनसे संबंधित जुड़ी कुछ तथ्य अपने आप को बताए। कार्य की दृष्टि से बचपन से ही इनके अंदर देश और समाज के प्रति चिंतन रहा है, और अध्ययन काल में ही जब ये अपना पढ़ाई कर रहे थे तो इनकी सोच देश के प्रति ही थी, और जब सोच देश के प्रति थी तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। 1939 से 1941 तक के बीच में इन्होंने सभी प्रकार के वर्ग पूर्ण कर लिए, जो आज हम लोग OTC के नाम से जानते हैं। जब प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया तो ये संघ के प्रचारक बन गए और समाज के प्रति कार्य करना शुरू किया। फिर आवश्यकता के अनुसार इन्होंने ये सोचा कि यदि हमारी पैठ सरकार में नहीं होगी, जब देश स्वतंत्र हो गया तो सरकार में अगर हमारी पैठ नहीं होगी तो हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं होगा, समाज के प्रति हम कितना भी कार्य करते रहे। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर सन 1951 में जनसंघ की स्थापना किया, और ये शुरू से ही महासचिव रहे हैं। जैसा अभी आचार्य जी ने बताया कि 1951 से 1967 तक अनवरत ये संघ जनसंघ के महासचिव रहे। उसी बीच में ये अपना समाज के प्रति कार्य करते हुए जितना भी अधिकतम हो सकता था इन्होंने समाज के लिए कार्य किया। क्योंकि पढ़ने में प्रखर बुद्धि के शुरू से रहे हैं तो उसी प्रकार से इन्होंने अपना कार्य भी किया। आगे जो इन्होंने बीज बोया था उस बीज का ज्ञानदायिनी माँ शारदे, ब्रह्म स्वरूप हूँ, प्राणों से प्रिय भारत माता, परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आचार्य बंधु, दीदियाँ, आज हम सभी लोग एक महामनस्वी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 1916 में मथुरा के पास नगला चंद्रभान नामक गांव में हुआ था। जब ये 2 वर्ष के थे तो इनके पिताजी का देहांत हो गया। बाल्यावस्था में ही माताजी का भी देहांत हो गया। ये 2 भाई और 1 बहन, 3 थे, इनके नाना ने और मामा ने इनका पालन पोषण किया। पढ़ने में बड़े मेधावी थे। हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के कारण सीकर के महाराज ने
200 रुपये, 250 रुपये और 10 रुपये की छात्रवृत्ति उसमें प्रदान किया। राजस्थान के पिलानी विद्यालय से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण किए। स्नातक करने के लिए कानपुर सनातन महाधर्म विद्यालय में आए, वहां से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण किया। अंग्रेजी से परास्नातक करना चाहते थे, उसी समय आगरा में एडमिशन लिए। इनकी बहन का देहांत हो गया जब ये 18 वर्ष के थे, इनके दूसरे भाई का देहांत हो गया था। इस प्रकार परिवार में अकेले रह गए और ज्योतिषी ने इनके जन्म के विषय में बताया था कि शादी नहीं करेंगे और देश के बहुत बड़े महान मनुष्य बनेंगे, राजनेता बनेंगे। 1937 में इनका संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आया। जब सनातन महाधर्म विद्यालय में पढ़ रहे थे कानपुर में, उसी समय नानाजी देशमुख से इनका संपर्क हुआ और संघ के प्रचारक बने। संघ के प्रचारक का कार्य करते हुए 1951 में जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, यह भारतीय जनसंघ के महासचिव बने। 1951 से लेकर के 1967 तक ये भारतीय जनसंघ के महासचिव के रूप में कार्य किया। 1968 में एक दुर्घटना क्या हुई, यह जा रहे थे मुगलसराय।